हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेवनटीन ऑफ दिसंबर के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है सबसे पहली बात कि आज बाज़ार के अंदर भारी गिरावट है या फिर मैं कहूँ ये पूरा हफ्ता अगर आपने नोट किया हो तो देखिए डेफिनेटली बाजार के अंदर एक डाउनफॉल आपको लगातार आता हुआ देखने को मिला लगातार अगर आप देखेंगे बाजार के अंदर गिरावट छाई रही बाजार के अंदर आपको लगातार एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नहीं था बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ का निकल के आती है इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यही निकल के आती है कि अब करना क्या है बिकॉज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अभी आई खुले हुए हैं सबसे पहला एग्जाम्पल आज, आज आपको रेट गेन कर देता हूँ आज फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा आपको नीचे खुलता हुआ देखने को मिला तो क्या सारे आई पी भी ऐसे खुलते हुए देखने को मिलेंगे तो ऐसा तो नहीं है तो कैसा है ये सब आपको ग्रे मार्केट से पता चलेगा लेकिन हाँ याद रखिएगा ग्रे मार्केट हमेशा आपको एक डायरेक्शन दिखाती है और तो वो डायरेक्शन गलत भी होता है तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो का पूरा देखिएगा इस वीडियो में पाँच आई पी के ग्रे मार्केट के ऊपर बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा सो so, सबसे पहले श्रीराम प्रॉपर्टीज से शुरुआत करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज का देखिए जो अभी ग्रे मार्केट आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट ग्यारह रुपए के आसपास आ चुका है अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बाजार का एक रिएक्शन आया कल तक ये अट्ठारह रुपए चल रहा था एंड आज आप देखिए ग्यारह रुपये पे आकर सिमट चुका है तो डेफिनेटली गिरावट यहाँ पे आपको बनती हुई देखने को मिली है एंड श्रीराम प्रॉपर्टीज का ग्री मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है अगला जो दोस्तों आईपीओ है उससे पहले आप इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट जान लीजिए क्योंकि जिन लोगों ने भी देखिए यहाँ पे लगाया लिस्टिंग डेट क्या है इसकी इसका भी अलॉटमेंट देखिए आउट हो चुका है अगर, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते हैं इसकी देखिए जो लिस्टिंग की डेट आपको आती हुई देखने को मिलेगी वो है फ्रेंड्स ट्वेंटी की यानी बीस तारीख को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी बीस तारीख यानी मंडे मंडे को देखिए आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक एक्सचेंजेस पर एंड मंडे को यहां पे आपको ये मार्केट के अंदर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसकी लिस्टिंग भी so, friend, जो अगली आईपीओ है वो है मैपमा इंडिया की मैप माई इंडिया का आइपो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है तो अगर अभी तक आपने इसका अलॉटमेंट जाकर चेकआउट नहीं किया है, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है अलॉटमेंट के ऊपर कि आपको कैसे अलॉटमेंट चेक करना है तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं अदरवाइज आप चाहें तो सिर्फ लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो देखने की पूरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी सिर्फ लिंक इन टाइम लिख दीजिएगा तो ना पे आपको आ जाएगा सो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी कि आज का जो ग्रीन मार्केट है वो ऑलमोस्ट नाइन फोर्टी के आसपास आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है नौ

यहाँ देखिएगा रेड गेन का भी इसके आसपास ही ग्रे मार्केट चल रहा था और आज वो पंद्रह परसेंट नीचे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये भी आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से लिस्ट होता हुआ ना देखने को मिले हो सकता है कि यहाँ पर आपको इसके अंदर डिस्काउंट में ओपनिंग होती हुई देखने को मिले ये बात आप ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी बढ़िया नहीं निकल के आया था अगर आप रेड गेन को कंपैरिजन करेंगे ना तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आया था लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पे पंद्रह परसेंट डाउन में खुलता हुआ देखने को मिला है तो बिल्कुल अभी यहाँ पर ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उम्मीद आपको बांधनी चाहिए मेट्रो ब्रेंड्स हो सकता है कि आपको डिस्काउंट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिले एंड यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी ऑलमोस्ट पूरे ही है कि जिन लोगों ने भी आई पी में लगाया है उनको अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर अभी दिक्कतें हैं और मेट्रो ब्रेनस का ग्रे मार्केट भी बढ़िया नहीं चल रहा है पैंतीस रुपये ही है सोमन जो अगला आईपीओ है वो है मेट प्लस हेल्थ सर्विसेज मेट प्लस हेल्थ सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा अभी दो सौ के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है नो no ट्रेड साफ साफ देखिए यहाँ पे आपको मैंशन होता हुआ देखने को मिलेगा कोई यहाँ पर ट्रेड आपको होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है अदरवाइज लेकिन सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी बढ़िया निकल के आया अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट फिफ्टी टू टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब भी देखिए काफ़ी बड़ी बात होती है बावन टाइम्स आपको आई आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला एंड दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी कि जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया उसके बाद जो एन की इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के आई वो ऑलमोस्ट वन वन टू रूपीज़ की निकल के आई इसका मतलब एनआईए को प्रॉफिट में एक सौ बारह चाहिए तो इस साफ साफ आपको देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर कि ग्रे मार्केट मुझे नहीं लगता कि देखिए ज़्यादा फिसलती हुई देखने को मिलेगी बट हाँ जिस प्रकार से मार्केट का सेंटिमेंट है ज़्यादा पॉजिटिव भी रहकर नहीं चलना है बट यही कह सकता हूँ जिन्होंने भी मेट प्लस के अंदर लगाया आप मान के चलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा ही होगा अब वो दो सौ का होता है डेढ़ सौ रुपये का होता है सौ रुपये का होता है वो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा ग्रे मार्केट के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है इसलिए वो दो सौ चालीस रुपये में मेनटेन है जब ट्रेडिंग होगी तब फिगर चेंज होगा तब आपको यहाँ पे मैं ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से बताऊँगा बट हाँ यही कहूँगा प्रॉफिट डेफिनेटली होता हुआ देखने को मिलेगा जिनको नहीं पता इसका अलॉटमेंट कब है अलॉटमेंट की डेट जान लीजिए बीस तारीख को इसका अलॉटमेंट है तेईस तारीख किस की लिस्टिंग है ये ध्यान आप रखिएगा यानी मंडे को आपको इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है मिड प्लस हेल्थ केयर का अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगला आईपीओ जो है डेटा पैटर्न्स सो so, फ्रेंड्स कल डेटा पैटर्न्स के अंदर भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिला ऑलमोस्ट Uh, uh, माफ करिएगा चार सौ चालीस रुपये भी ग्री मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है लेकिन ऑलमोस्ट आपको ये वन वन नाइन टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला जहाँ पे रिटेल पोर्शन ट्वेंटी थ्री टाइम्स एन आई एस टू फिफ्टी फोर टाइम्स क्यू आई बीज वन नाइनटी टाइम्स तो यहाँ पे कल मैस ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिला एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स से काफी बड़ी बात थी जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया एंड अब इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको देखने को मिलेगी अब इसका ग्री मार्केट अगर आपको देखने को मिलेगा चार सौ चालीस रुपये पे बट यहाँ पर भी देखिए ट्रेड नहीं हो रहे हैं अब ट्रेड ना होने का कारण साफ साफ आपको पता है कि बाजार के अंदर गिरावट है मिड कैप्स के अंदर गिरावट है मिड कैप्स को गिरता हुआ देखने को मिलेगा तो

अलॉटमेंट का डेट है वो ट्वेंटी फोर्ट ऑफ डिसंबर है एंड ट्वेंटी फोर्थ को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी ये डेट आप ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगला आईपीओ के बारे में सो फ्रेंड्स सुप्रिया लाइफ साइंस जो अगला आईपीओ है वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड रुपीज का ग्री मार्केट ट्रेड uh, चलता हुआ देखने को मिल रहा है डेफिनेटली अमेजिंग है एंड याद रखिएगा सुप्रिया लाइफ साइंस में आज, आज आपको मौका है देन आपको मंडे को आखिरी चांस मिलेगा मंडे को आपके पास आखिरी चांस होगा जब आप इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं तो आप चाहे तो डेफिनेटली आज या फिर मंडे को लेकिन आई पी एप्लीकेशन जरूर लगाए बिकॉज यहाँ पर जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आने वाला है याद रखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है छोटा सा आई है इसे सब्सक्रिप्शन भी बेहद तगड़ा निकल के आएगा अभी आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट रिटेल पोर्शन 18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है एंड यहाँ पर रिटेल पोर्शन में अगर आप देखेंगे 18.88 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन का मतलब कि लोग बड़ा